साल 2014। नशे का सत्ता हूँ मैं, मौत के खातिर जिंदा हूँ। मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ। जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, तुम कितने भुट्टो कत्ल करोगे? और घर से भुट्टो निकलेगा तो कितने भुट्टो कत्ल करोगे? और घर से भुट्टो निकलेगा तुम कितने भुट्टो कत्ल करोगे? पहले रोते हुए और फिर भर्राए हुए गले से नारे लगाने की ये तस्वीरें 6 अक्टूबर की हैं, जब बिलावल हाउस के बाहर बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। साल 2009। खून चाहिए, खून देंगे हम। सर चाहिए, सर देंगे हम। जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। तो कितने पुत्तो कत्ल करोगे? और घर से पुत्तो निकले। और ये तस्वीरें अब से ठीक 5 साल पहले की हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बैठक में बिलावल भुट्टो का ये अंदाज पहली बार सबके सामने आया था। तो कितने पुत्तों कत्ल करोगे? और घर से पुत्तों निकले। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि पिछले 5 साल में बिलावल की राजनीति करने के तरीके में कुछ नहीं बदला। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राजनीति का ककहरा सीख रहे बिलावल भारत की नींद उड़ाने की बात कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में सीमा पर रह रहे कई लोगों की जान जा चुकी है। जब भारत ने पाकिस्तान की हरकत का जवाब देना शुरू किया तो बिलावल ने ट्वीट करके कहा, जिस तरह भारत सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसे देखकर लगता है कि भारत ने इजराइल का मॉडल अपना लिया है। मोदी को यह समझ लेना चाहिए कि हम पलट कर जवाब दे सकते हैं, हम गुजरात पीड़ितों की तरह चुप रहने वाले नहीं। इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब पहले पाकिस्तान हमला करे और जब भारत हमले का जवाब दे तो पाकिस्तान के विपक्ष में बैठे नौसिखिए नेता हमें आंख दिखाएं। बिलावल इतने पर नहीं माने, एक और ट्वीट किया, मेरे 2 बयानों ने हिंदुस्तान की रातों की नींद उड़ा दी, ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो भारत पर हमले करके और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कश्मीर को मुद्दा बनाकर वो 2018 के आम चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। 20 सितंबर को बिलावल ने कश्मीर को लेकर बयान दिया था, लबांगे, लबांगे, कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर, लबांगे, और जिंसू, जिंसू, जनूबी पंजाबी। दरअसल बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में सेना के वफादार की कमी को पूरा करना चाहते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलना उनकी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। भुट्टो फैमिली और सेना में ट्रेडिशनली कभी दोस्ती नहीं थी। भुट्टो फैमिली जितना भी कोशिश करे, पंजाबी सेना और सिंधी पीपीपी में अलायंस होना बहुत ही मुश्किल लगता है। उनका इरादा यही है कि अब वो ऑपोजिशन में हैं, बुरी तरह चुनाव में हार चुके हैं, तो ये तो इंटरनल मामला है। वापस अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन के लिए चीप पॉपुलैरिटी, क्विक पॉपुलैरिटी पाने के लिए एक ही रास्ता है कि भारत को गाली लगाओ। और भारत में इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टैम्प है वो बहुत विकसित है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीके इंसाफ के इमरान खान ने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। एक मेजर प्रॉब्लम यह भी है कि पाकिस्तानी का अंदरूनी सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही खराब है इस समय। उनकी सिविलियन गवर्नमेंट डामाडोल में है, आर्मी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में टेंशंस हैं और रायट्स हो रहे हैं, इमरान खान के डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं, वो भी आर्मी ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, तो और कहीं डेमोंस्ट्रेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं फिर।
बिलावल भुट्टो के इस बयान को तमाम पार्टियों ने बचकाना बताया। वो एक बच्चे हैं और उनके बयान को एक बचकाना बयान की हैसियत से ही लेना चाहिए। परिपक्व नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही वाहियात किस्म की राजनीति करना चाह रहे हैं वो। पाकिस्तान घबराहट में है और बिलावल भुट्टो अभी राजनीति सीखना चाहते हैं वो। पाकिस्तान में 2018 में आम चुनाव होने हैं। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो बेनजीर की मौत के बाद ही मिल गई थी, लेकिन बिलावल 5 साल बाद राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करते नजर आ रहे हैं। बिलावल लगातार बैठकें कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए उनके बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए नारे लगवा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगला वजीर आजम भी भुट्टो ही होगा, मगर हमारा नारा एक ही रहेगा, वजीर आजम बेनजीर। बिलावल विरोधियों पर तीखे हमले कर रहे हैं। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अपराध को संभाले। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां वो भारत पर हमले करके बटोर रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन पाकिस्तान से लेकर भारत तक बिलावल मजेदार चर्चा का मुद्दा जरूर बन गए हैं। चर्चा मजेदार क्यों है ये आपको बताएंगे आगे। ईमान से बताइए, थोड़ा अरसा पहले तक मेरी कोई बात भी करता था नहीं ना? नहीं। हॉर्न कुरलाम पाया ना पाया? क्या कुरलाम पड़ा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं आपका। कोई बात नहीं, ये तकरीर नहीं थी, ये मैं त्यान पुआ रहा था। बिलावल के कारनामे बड़े बड़ों की समझ से बाहर हैं। सर आप ट्वीट में ही रहेंगे या बाहर भी आएंगे? हाँ जी ट्विटर पे ही नजर आते हैं आप को इधर उधर। बाहर क्यों नहीं आते, ठंड लग दी बाहर क्यों नहीं आते, किराने वाले से पैसे देने। यार एक होके पहले मुझे भी बात करने दे, उन्होंने सवाल मुझसे किया है, आप क्यों नहीं चुप रहते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? मैं तो कह रहा हूँ आप दीजिए जवाब। तो मैं दे रहा हूँ, मुझे देने दीजिए जवाब, आज तो बड़ा फाल निकालने वाले तोते बन के आए हुए। मेरी छोटे बात अपनी करे, अपनी बात ही कर पा, आप मुझे सवाल ही भूल गया, पता नहीं वो मुझसे क्या सवाल पूछ रही थी। बिलावल की हरकतें तो बच्चों से गई गुजरी लगती हैं। एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए जरूरी होता है कि अभी खुद के बताता हूं, दैट एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए चौथा पॉइंट क्या था? बेनजीर भुट्टो के बड़े बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान जरूर है, लेकिन उनकी हैसियत और समझ को पाकिस्तान तक में कितनी गंभीरता से लिया जाता है इसकी मिसाल है कॉमेडी शोज की ये झलकियां, जो अक्सर पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज पर देखने को मिल जाती हैं। अच्छा जी, दो स्टेप रह गए थे कि सर ना करें इस तरह, सोशल मीडिया पे पहले ही आपके इन स्टाइल्स की वजह से बड़ी बदनामी हो रही है आपकी। अभी मैंने वो स्टाइल तो बनाया ही नहीं है, ये वाला ना। हाँ ये क्यों रखते हैं आप? अब ये देखिए की बाजी। भारत के खिलाफ अपने जिन तीखे बयानों पर बिलावल की धज्जियां उड़ रही हैं वो उन्होंने ट्विटर के जरिए दिए हैं। 26 साल के बिलावल भुट्टो जरदारी की गिनती युवा और नई पीढ़ी के नेताओं में होती है, इसलिए ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनकी लगातार मौजूदगी और बयान किसी को हैरान नहीं करते। लेकिन भारत के खिलाफ जो दो ट्वीट उन्होंने किए हैं उनमें से एक में कुछ ऐसा भी हो गया जिससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली उनकी डिग्री तक पर सवाल उठ रहे हैं। मोदी के खिलाफ ट्विटर पर दिए बिलावल के इस बयान पर जरा निगाह डालिए। अपने इस बेतुके बयान में बिलावल ने इसराइल की स्पेलिंग ISRAEL की जगह ISRALE लिखी है। बिलावल इसराइल की यही स्पेलिंग जानते हैं या गलती से वो ऐसा लिख गए ये तो वही जाने, लेकिन उनकी इस बात को भी लोगों ने बिलावल की बखिया उधेड़ने की वजह बना लिया। ट्विटर पर सुबह से यो बिलावल सो डम ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते बिलावल पर चुटकुलों की मानो बाढ़ आ गई। जरा इनमें से कुछ पर नजर डालिए। एक शख्स ने ट्वीट किया,
बेटा सो जाओ, कल स्कूल है। दूसरा ट्वीट देखिए, बेटे पहले इसराइल की स्पेलिंग लिखना सीख लो, बाद में बाकी चीज देखी जाएगी। ट्विटर पर किसी ने यह भी लिखा है, बिलावल का बयान ऐसा है जैसे पाकिस्तानी हमें हथियार से नहीं मार सकते तो अब हंसा हंसा कर मारेंगे। अंग्रेजी अखबार डेली मेल ने पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से लिखा है कि बिलावल के एक बयान ने उन्हें पाकिस्तानी लोगों की नजरों में भी नीचा कर दिया है। अखबार के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने कहा कि बिलावल बेहूदी बातें करना बंद करें और अब बड़े हो जाएं। उनका जो तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज डॉन, डॉन में ही लिखा गया है कि बेबी बिलावल को अपना मुंह चुप रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एम्बैरेस हो रही है, तो उसके आगे कहने की क्या जरूरत है। भारत के खिलाफ तीखे बयान देकर बिलावल हर तरफ से फजीहत झेल रहे हैं। उनके बयानों को देश के मंत्री और नेता भी इतना बचकाना मान रहे हैं कि उन पर किसी तरह की प्रतिक्रिया तक नहीं देना चाहते। बिलावल भुट्टो के बयान को किस तरफ से देखते? कोई मुझे रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। बिलावल के अंदाज और बयानों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में मजाक पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनके ताजा बयानों ने उन्हें पाकिस्तान के बाहर भी मजाक का किरदार बना दिया है।